हेलो गाइस, एमटेक वायरल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भीम एप्लीकेशन की, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हम बात करेंगे कि इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते होंगे। तो सबसे पहले आपको अगर इस ऐप को यूज़ करना है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ पर आपको लिखना है भीम, और जो ये फोर्थ ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐप का साइज़ बहुत ही कम है, नियरली 2 MB, देख सकते हैं आप, 1.92 MB है। तो इसको आप इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो आप देख सकते हैं भीम एक्चुअली में क्या है। भीम इंटरफेस भारत का इंटरफेस फॉर मनी, और इसलिए इसका नाम शॉर्ट फॉर्म है वो भीम है। इसमें आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका आएगा कि अलाउ अस टू एक्सेस। तो इनको क्या क्या एक्सेस करना है, आपका SMS और फोन स्टेट। तो अगर आपके पास मार्शमेलो है तो आपको परमिशंस अलाउ करनी होंगी, तो ये परमिशंस आप अलाउ कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास स्क्रीन आएगी वो ये स्क्रीन होगी, जिसमें आपसे एक फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। इसमें आपको वो फ़ोन नंबर डालना है जो कि आपका बैंक से अटैच्ड है। और अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन नंबर नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते हो। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो भी फ़ोन नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उससे एक OTP भेजा जाएगा, तो उसके लिए आपको 1 या 1.5 रुपये चार्ज भी लग सकता है। तो आप जैसा देख सकते हो कि थोड़ा सा ये एप्लीकेशन स्लो है अभी, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्दी ही फिक्स हो जाएंगी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इस एप्लीकेशन में। ऑल्दो कि ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो यहाँ से आपको देख सकते हो, आपको वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर, यहाँ से आपको सिम सिलेक्ट करनी है। तो जो भी सिम आप सिलेक्ट करेंगे उससे कुछ पैसे चार्ज हो जाएंगे, 1 या 1.5 रुपये। तो मैंने यहाँ पे जैसे एयरटेल सिलेक्ट किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा 1 रुपये यहाँ पे चार्ज लग गया है। और अगली स्क्रीन पे मैं आऊँगा जहाँ मुझे OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। OTP आपका वन टाइम पासवर्ड होता है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए मुझे एक अभी SMS रिसीव होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि मोबाइल वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया है। तो ये थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं इस एप्लीकेशन के साथ, जो कि मुझे लगता है कि टाइम के साथ फिक्स हो जाएंगे। तो एक बार फिर रिट्राई करते हैं। तो एक रुपये और चार्ज कट गया है मेरा, और अब देख सकते हैं कि मोबाइल मेरा वेरीफाई हो गया। तो ऑलरेडी क्योंकि ये वेरीफाइड था इसलिए मुझे कोई OTP रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे एक पासकोड रजिस्टर करना होगा, तो मैं कोई भी पासकोड यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ। तो सपोज़ मैंने पासकोड रजिस्टर कर दिया है। इसके बाद आपके पास एक बैंक की लिस्ट आती है, जो एक्चुअली यहाँ पे नहीं आई है अभी। वो इस वजह से नहीं आई है क्योंकि मैं पहले ही यूज़ कर चुका हूँ। उस बैंक में ऑलमोस्ट सारे बैंक है, एक तो बैंक नहीं है, जैसे कि यस बैंक नहीं है उसके अंदर। उसके बाद आपको अपना जो प्रेफर्ड बैंक है वो सिलेक्ट करना है, और आप एक एप्लीकेशन से एक ही बैंक अकाउंट चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसे कि आप सेंड कर सकते हैं मनी, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्कैन एंड पे कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी को पैसे सेंड करने हैं तो आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे यहाँ पे एक UPI पिन सेट करने के लिए बोलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद आपको अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट एंटर करने पड़ेंगे, और अपना एक्सपायरी डेट डालना होगा। उसके बाद आप अपना एक UPI पिन जब सेट कर लोगे तो ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको जो भी रेसिपिएंट है उसका मोबाइल नंबर डालना होगा, या उसका पेमेंट एड्रेस डाल सकते हो। पेमेंट एड्रेस एक्चुअली कुछ नहीं है, जो मोबाइल नंबर है उसके आगे आप @ का सिंबल लगा के UPI लिख दोगे तो वो पेमेंट एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे आप वेरीफाई करोगे तो ये आपकी उसकी डिटेल जो भी होगी ये आपको दे देगा। जैसे कि अभी मैं इस नंबर को वेरीफाई कर रहा हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि किसका नंबर है। तो हालांकि थोड़ी सी एप्लीकेशन अभी स्लो है इस मोमेंट पे, वो इस वजह से भी है क्योंकि शायद ट्रैफिक इशू हो सकता है, बट मुझे लगता है कि टाइम के साथ इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको वेरीफाई कर लोगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपको अमाउंट डालना है, और अगर आपको कोई मैसेज डालना है तो ये अभी बता रहा है कि इनवैलिड पेमेंट ऑप्शन है ये। हालाँकि पेमेंट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये, बट स्टिल जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ कुछ इश्यूज़ हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जैसे मेरा नाम आ गया है अब, और इसमें अमाउंट डाल सकता हूँ मैं, और रिमार्क्स डाल सकता हूँ, और उसके बाद आप इस पे क्लिक कर दोगे।
इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा आप इस पे बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। आप बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाता है कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, उसका IFSC कोड क्या है। अगर UPI पिन आपको रीसेट या चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, बैलेंस जानना है तो यहाँ से जान सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आपको अपना QR कोड देखना है तो आप प्रोफाइल पर क्लिक करके QR कोड देख सकते हो। QR कोड में क्या होगा कि आपको QR कोड किसी अगर कोई और स्कैन करके पे कर सकता है आपको। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ट्रांजेक्शन्स आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की जो कि आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि भीम क्या है। तो भीम जो है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो पैसे भेजने या रिसीव करने के लिए। और मैं अपना पर्सनल अगर रिव्यू दूंगा तो ये दूंगा कि एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम है, 2 MB में आपको एप्लीकेशन मिल रहा है, प्लस इंटरफेस काफ़ी क्लीन है। फिर सबसे जो मेन चीज़ है वो है सिक्योरिटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है तो आपको आपको पता है कि सिक्योरिटी बिल्कुल 100% आपको मिलेगी। तो जो आप जो सेफ्टी एक कंसर्न होता है वो काफ़ी हद तक ये आपकी ऐप कंप्लीट कर देती है। तो इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि बिना इंटरनेट के चलेगा या नहीं। तो बिना इंटरनेट के बिल्कुल नहीं चल सकता है, और अगर आपको बिना इंटरनेट के यूज़ करना है तो आप *99# वाली सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसी का एक पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में। तो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के लिए बहुत ही ये क्योंकि आपकी इसमें कोई पेमेंट गेटवे इंक्लूडेड नहीं है, ना ही कोई थर्ड पार्टी की चीज़ यूज़ हो रही है, तो ये आपको हार्डली बस आपको जो रिसीवर है उसका एड्रेस पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और आप इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्या यह वॉलेट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल नहीं, ये वॉलेट नहीं है। इससे वॉलेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वॉलेट में आपको पैसे सेव करने पड़ते हैं, इसमें आपको कुछ सेव नहीं करना होता, ये डायरेक्ट आपके बैंक से अटैच्ड होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है। तो ट्रांजेक्शन लिमिट ये है कि आप एक बार में किसी को 10,000 रुपये या उससे कम भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हो, और पूरे दिन भर में आप 20,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से फ़ोन के लिए अवेलेबल है। तो फिलहाल ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड वर्जन 8 के ऊपर, और iOS के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें बैंक अकाउंट कितने हो सकते हैं। तो बैंक अकाउंट आप केवल एक यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। उसके अलावा इसमें शॉपकीपर को किस तरीके का फ़ायदा है। तो शॉपकीपर के लिए बहुत ईजी है, वो अपना फिंगरप्रिंट रीडर एक अपने पास रख सकते हैं और जिसके द्वारा वो पेमेंट करवा सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जियो की जब सिम मिल रही थी तो जियो में भी इस तरीके का कुछ फॉलो किया जा रहा था। तो या तो आप QR कोड यूज़ कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट रीडर से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है भीम। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।